दोस्तों राजस्थान के अंदर बड़ा गजब का खेला चल रहा है। अभी तक तो मोदी और शाह की टेंशन बढ़ी हुई थी कि किस तरीके से कभी वसुंधरा राजे सिंधिया, किरोड़ी लाल मीणा, कभी दिया कुमारी आके दिखा रहे हैं। उनका अपना एक जो राज्य मंत्री बनाए गए थे वो चुनाव हार गए, मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। ये तमाम चीजें चली रही थी कि भजन लाल शर्मा ने खुद ही एक बहुत बड़ी मुसीबत अपने सिर पर ले ली। ये मुसीबत बीजेपी के नेताओं की तरफ से नहीं, बीजेपी के किसी धुरंधर की तरफ से नहीं, वसुंधरा किरोड़ी लाल मीणा या दिया कुमारी की तरफ से नहीं, बल्कि सिख समुदाय की तरफ से। क्योंकि जब मंच पर खड़े होकर अपने ज्ञान का उवाच सबके सामने परोसने की कोशिश भजनलाल शर्मा ने की तो एक ऐसा कांड कर बैठे हैं, उसके बाद सिख समाज खासा नाराज चल रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं सैंटी। ये तो आपको पता ही है कि मैं पहले से भी आपसे कह रहा हूं कि ये बड़ा मुश्किल में फंस गया है मोदी और शाह। उनको लगता है कि इससे बढ़िया तो मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ ही जीत लेते ना, वही सही था। राजस्थान हारी जाते तो बढ़िया है। वो इसलिए क्योंकि राजस्थान के अंदर लगातार मुसीबतें आ रही हैं। पहले देखिए वसुंधरा राजे, फिर किरोड़ी लाल मीणा, दिया कुमारी ने कहा वित्त या गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय देना पड़ा। उसके बाद किरोड़ी लाल मीणा अपनी ही सरकार का के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं और अशोक गहलोत की तारीफ कर रहे हैं। ये तमाम घटनाक्रम मैं बताता रहा हूं, लेकिन आज मैं उनका एक ताजा तरीन बयान सुनाऊंगा। ये बयान सुनने के बाद आप समझ सकते हैं कि कभी भी विदाई भजन लाल शर्मा की हो सकती है, क्योंकि एक ऐसी ही हरकत, एक ऐसा ही कुछ ऐसे इससे भी खतरनाक और बड़ा गंदा बयान एक नेता ने दिया था, बीजेपी के नेता ने, वो भी चुनाव के दौरान। फौरन 24 घंटे के अंदर हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ी थी। पहले आप देखिए भजनलाल शर्मा जो अति उत्साही कार्यकर्ता बनकर, नेता बनकर सिख समाज को संबोधित करने की कोशिश कर रहे थे, यानी दूसरा मोदी बनने की कोशिश कर रहे थे, कहां गलती कर बैठे। पर वीडियो देखिए, बोलिए सत सत अकाल, दरअसल क्या है ना, आप भारतीय जनता पार्टी के अंदर जाएंगे ना तो हर कोई मोदी बनना चाहता है। वो ये नहीं समझ पाते कि जो वो बोल रहे होते हैं वो लिखा हुआ होता है। वो आज तक ये समझ ही नहीं पाए, उनको तो लगता है मोदी जी अतज्ञानी है, उन्हें सब याद रहता है। ऐसा नहीं है दोस्त, क्योंकि वो टीपी देखकर बोलते हैं, स्क्रीन सामने चल रही होती है देखकर बोल रहे होते हैं मोदी जी। कई बार इसका खुलासा भी हो चुका है, जब जब टीपी इधर से उधर और उधर से इधर हुई है तब तक गड़बड़ा गए हैं हमारे साथ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर इन दोनों एक चलन है, चाहे आप किसी विधायक से मिल लीजिए, सांसद से मिल लीजिए, हर किसी को एक तो मोदी शाह का खास बनना है और मोदी की तरह बनना है हर किसी, कि उनके नाम के जयकारे लगे, नारे लगे, ये वो चाहते हैं। यही काम भजनलाल शर्मा ने किया। उन्होंने कहा कि भाई मैं चुना कैसे गया, मैं पहली बार का विधायक बनाया किसने, मोदी शाह ने, तो मोदी वाली स्टाइल अपनानी होगी, लोगों को वैसे ही संबोधित करना होगा। अब उनको पता ही नहीं कि मोदी जी टीपी देखकर बोलते हैं, इन्होंने बिना टीपी देखे जो बोला है एक बार सुनिए। बोलिए सत सत अकाल, तो सुना आपने। दरअसल हुआ ये कि लोहड़ी का कार्यक्रम है, आप सब जानते हैं कि सिख समाज के लिए, सिख समुदाय के लिए ये कार्यक्रम, ये प्रोग्राम, ये त्योहार बहुत बड़ा होता है। और इस प्रोग्राम के दौरान जो त्योहार चल रहा था उसमें एक प्रोग्राम रखा गया राजस्थान के अंदर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे थे, मंच पर बैठे थे। उनको मालूम है कि सामने तमाम जो सिख समाज के लोग हैं, अगर उनसे कनेक्ट होना है मोदी जी की तरह तो क्या करना होगा, उन्हीं की भाषा शैली में बोलना होगा। गलती ये हुई कि पहले से स्क्रीन का इंतजाम करा लेते तो गलती ना होती और फजीहत ना होती। उन्होंने सिख समाज के सबसे पावन और पवित्र जयकारा, जैसे हमारे यहाँ जय माता दी है, जय जय श्री राम है, ये जयकारे हैं। वो बात अलग है कि जय जय श्री राम जो है, जय श्री राम का जो जयकारा है उसे बीजेपी ने नारे में तब्दील कर दिया है। नारा, जयकारा और नारे में अंतर होता है। जयकारा धार्मिक होता है, उसके प्रति आस्था होती है, श्रद्धा होती है। नारे में ऐसा नहीं होता, नारा पॉलिटिकल पार्टियां देती हैं, जिन्हें जुमला भी कह सकते हैं। खैर, तो जो जयकारा है सिख समाज का सबसे पावन और पवित्र, यानी जो बोले सुनिहाल, सत श्री अकाल। अब आप सोचिए जो बात छोटे छोटे बच्चों को, जो गैर सिख है, जिन्हें जो सिख समुदाय से ताल्लुक नहीं रखते, उन्हें भी पता है ये जयकारा। उसके बावजूद देखिए इतने बड़े हो गए भजनलाल शर्मा जी, आज तक उन्होंने इस जयकारे को सुना नहीं, पढ़ा नहीं या बोला नहीं। या मैं तो कहूंगा बोला नहीं होगा, तभी तो नहीं होगा ना, मैं तो मान ही नहीं सकता कि सुना नहीं होगा। नहीं सुना होता तो इतना भी ना बोल पाते। यानी सुना था लेकिन बोला कभी नहीं, और बोला नहीं तो जब पहली बार बोला तो ऐसा बोला कि अब सिख समाज नाराज चल रहा है। दरअसल इससे पहले की एक तस्वीर और आपको दिखाना चाहूंगा, एक वीडियो और दिखाना चाहूंगा। दरअसल चुनाव चल रहा था राजस्थान का, आपको याद होगा नवंबर की वक्त बात थी, 3 नवंबर तकरीबन की याद बात है। बालकनाथ योगी के लिए प्रचार करने पहुंचे थे, तिजारा सीट पर चुनाव लड़ रहे थे राजस्थान के अंदर, पहुंचे थे योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो मंच पर मौजूद थे, बालकनाथ योगी साथ बैठे थे और जो मंच को संबोधित कर रहे थे, जनता को संबोधित कर रहे थे, बीजेपी के नेता संदीप दायवा।
तो उन्होंने गुरुद्वारों को उखाड़ फेंकने की अपील, मतलब अपील कर दी थी कि अगर बालकनाथ योगी जीत कर आते हैं तो जितने गुरुद्वारे उस इलाके में बन रहे हैं उन गुरुद्वारों को उखाड़ फेंकेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सुन लीजिए। उससे आप लोगों को सबक लेना पड़ेगा किस तरह से मस्जिद है, किस तरह से गुरुद्वारे यहाँ पर बनाकर छोड़ दिए। ये आगे चलकर हमारे लिए नासूर बन जाएगा, इसलिए हमारा सबका धर्म भी बनता है कि इस नासूर को यहाँ से उखाड़ कर फेंक देंगे और बाबा बालक नाथ जी को भारी मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को राम राम, धन्यवाद। अब इस बयान को सुन लिया, इसके 24 घंटे के भीतर सारी हेकड़ी निकल गई थी। ये बड़ी बड़ी बात है तो बोल गए। तो देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं, बालकनाथ योगी से लेकर योगी आदित्यनाथ तक इस बयान पर तालियां बजा रहे थे। यानी वो भी मानते हैं कि संदीप दायमा ने जो कहा वो सही है। वो पता लगे कि 24 घंटे बाद संदीप दायमा कहने लगे, नाना समझ नहीं आया कि मुंह से कैसे निकल गया, मैं ये कहना ही नहीं चाह रहा था लेकिन मेरे मुंह से कैसे निकल गया समझ में नहीं आया, चलिए मैंने मान लिया जल्दबाजी में, क्योंकि ये करते रहे ना आप, हिंदू मुस्लिम करते रहे, हिंदू मुस्लिम करते रहे, तो कभी कभी हो जाता है कि अति उत्साह में एक और समुदाय को टारगेट कर दो, हो सकता है ज्यादा वोट मिल जाए, तो उसकी उम्मीद के साथ इन्होंने कर दिया। लेकिन जब बालकनाथ होगी और योगी आदित्यनाथ बैठे थे, वो उनके बयान पर ताली बजा रहे थे, तो कैसे मान लिया जाए कि आपने तो गलती से बोल दिया लेकिन उन्होंने गलती से ताली बजा दी। किसी ने विरोध नहीं किया था बीजेपी के नेता की तरफ से, किसी ने आकर टोका नहीं था, यानी सोची समझी रणनीति के तहत सिखों का विरोध बीजेपी राजस्थान के अंदर कर रही थी। 24 घंटे बाद इनकी सारी हेकड़ी निकली और फिर देखिए क्या कहा था। मैं पूरे सिख समाज से नहीं, पूरी सनातन धर्म से मैं माफी मांगता हूं कि मेरे से गलती से पता नहीं कैसे वो शब्द निकल गए गुरुद्वारे के, मुझे खुद भी नहीं पता। जब जैसे ही मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से जब मैंने वो वीडियो देखा तो उसमें गुरुद्वारे का जो मेरे से गलती से वो निकला है सब, मैं कल भी अपने फेसबुक पे भी पूरे ग्रुपों में मैंने हाथ जोड़ के गलती भी मांगी है सिख समाज से। और ऐसे समाज जिन्होंने हमेशा सनातन धर्म की रक्षा की हो, हिंदू धर्म की रक्षा की हो, उसके लिए मैं सोच भी नहीं सकता बोलने की, तो बात बहुत दूर की है। मैंने कल भी माफी मांगी है, आज भी मैं पूरी यहाँ जनता जनार्दन इकट्ठी है, मैं इनके बीच में हाथ जोड़ के इस बात की गलती मानता हूँ कि मेरे से पता नहीं ये गलती कैसे हुई है। आज उन्होंने मैं ये बात पता नहीं कैसे मेरे जीव से सलिप होगी और वो मैं उसकी पूरी गलती हाथ जोड़ के सिख समाज से भी और पूरे से मैं मानता हूँ। अब उसी तरह का एक बार फिर से गुस्सा देखने को मिल रहा है। उनका कहना है कि अगर हम ये नहीं कहते हैं कि आपको सिख समाज को संबोधित करने के लिए उन्हीं तमाम चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए जिस तरीके से सिख समुदाय के लोग एक दूसरे को संबोधित करते हैं, या जब धार्मिक स्थल पर जाते हैं, गुरुद्वारे पर जाते हैं, तो जो जयकारा लगाते हैं वही बोलिए, आप सीधे तौर पर संबोधित करिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप सिख समाज के सबसे पावन और पवित्र जयकारे को बोलें तो पूरा ठीक ठीक बोलिए। अब इसी को लेकर बड़ा बवाल राजस्थान के अंदर चल रहा है। मैंने शुरुआत में आपसे कहा था ना, ये बवाल जो शुरू किया गया था एक बगावत के तौर पर बीजेपी के नेताओं की तरफ से, अब वो बढ़ते बढ़ते पहुंच चुका है इनकी हरकतों पर। यही हरकत याद करिएगा, उत्तराखंड के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जब त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाकर मोदी और शाह ने तीरथ सिंह रावत को बिठाया था, एक से बढ़कर एक ऐसे ऐसे बयान दिए थे, 6 महीने के भीतर कुर्सी छीननी पड़ी थी। यही काम किया करते थे बिप्लब देव कुमार जो मुख्यमंत्री हुआ करते, वो भी पर्ची वाले मुख्यमंत्री थे, यही मोदी शाह ने बनाया था, ऐसे ऐसे बयान दिए थे, हटाना पड़ गया। अब यही काम भजन लाल शर्मा कर रहे हैं, लिख कर ले लीजिए, उस वीडियो को सेव करके रखिएगा। 6 महीने के भीतर आदत ये होने वाली है कि भजन लाल शर्मा को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। नमस्कार, सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।